जिवें जिवें पंजाब दियां 2022 दियां विधानसभा चोणां नेड़े आ रहियां ने उवें उवें सारियां पार्टियां च मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं लै के सस्पेंस तेज हुंदा जा रहा है। पर सब तो ज़्यादा सस्पेंस आम आदमी पार्टी च मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं लै के बनिया होया है। बीते दिन आम आदमी पार्टी दे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पंजाब आए सी। उत्थे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री दे चेहरे बारे इन्ना क पर्दा चुकिया कि आम आदमी पार्टी दा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कोई सिख चेहरा ही होवेगा। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे। और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। आज कुंवर साहब जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, थोड़े दिन दे दो, सब कुछ बताएंगे आपको। आज तो यही खबर चलाओ और यही खबर छापो कि कुंवर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, राजनीति में आए हैं, और सारे मिलके आपके साथ मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके पंजाब को बदलेंगे। हैं जी, क्या जी? सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। इस बयान तो बाद केजरीवाल ने इन्ना ता साफ कर दिता कि मुख्यमंत्री दी रेस दे विच ओ आप या फिर कुंवर विजय प्रताप सिंह नहीं होंगे, पर फिर भी ओ विरोधियों दे निशाने ते आ गए ने। श्रोमणी अकाली दल दे साबका माल मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने तंज कसदिया कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चेहरा भगवंत मान नू नहीं ऐलानिया है। हुण भगवंत मान बहुत परेशान है अते अज रात नू दारू दी बोतल नहीं बचेगी। वैसे तो केजरीवाल साहब आए भगवंत मान का भी छुट्टी कर गए हैं, कहते सिख चेहरा देवे, मतलब ये जो बैठे इन चेहरा नहीं कहते सिख, उन्होंने पता नहीं की कहते, मंथन कर रहे, मतलब कि तू तो गया भाऊ उधर ला बैठा, तू भी गया, दोवे की छुट्टी भी कर गया। मैं नहीं कहा जी, ये यार बेनती दसो, मैं तो वो गल का निचोड़ कटिया। किसी पत्रकार ने पूछा या कि मैं पता लग्या, कहते जी असी सिख फेस देवे, मंथन कर रहे हैं, तो मतलब कि केजरी अपना वो भगवंत मान उन्होंने सिख फेस नहीं दिखता, यदा यही मतलब है। वो बेचारा 4.5 साल का जुत्ती की कसाई कर रहा, पहला करती तो उन्होंने नहीं लग्या, फिर इधरले पछ गया। यार गल तो सुन लो, जा तो तुम सवाल कर लो, नहीं तो तुम जवाब दे दो, मैं चुप कर जाना। मैं तो मेरी बेनती है सुनिया जी, फिर नौ लै दें, नौ लै दें, काम मुक जाता। मैं भगवंत मान को बधाई दे दिता कि तेरी बन गई गल, मगर अज ओदा नौ ना लेना, हरपाल चीमे दा नौ नहीं लेना, एक दलित नू भी और एक जेड़ा उन्हां दे लई इन्ना लंबे समय तो काम कर रहा सी उन्हूं भी,
सिख चेहरा रिकगनाइज करने तो अज केजरीवाल साहब ने ना करती है और उन्होंने रिजेक्ट करता। मेरी बेनती सुनिए, एक मिनट गगन, एक सेकंड मेरी बेनती है कि जो वीर ने सवाल किया है ना भगवंत मान क्यों नहीं, जे तो केजरीवाल साहब ये कहें कि असी जो पंजाब यूनिट है बड़ी वधिया साढ़े कोल लीडरशिप है ये असं सिख फेस देवे, फिर तो ठीक अंडरस्टूड सी भी जब भगवंत मान हो कोई होर जे सिख चेहरे देखते हैं उन्होंने होगा, तो जो कह दिता कि सिख चेहरा देवे तुम नाज महसूस करोगे पर असं मंथन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं यदा मतलब पता नहीं कितने कितने जाकर टोपी पाई जा रही है। सिख समाज की गल है हूँ, सिख समाज बड़ा व्डा आ इस करके जो भगवंत मान का उस समय मूँह वेखना सी, मेरा ख्याल है अज बेचारी बोतल है नहीं, बोतल छड़ के कि बोतल है नहीं, अज दुख जो उन्होंने वापरना आ भगवंत मान जी ने जो जो कुछ अच्छ कांड करना आ तो सानू हमदर्दी है भगवंत मान जी अज उन्हें आपकी एक बेनती सुनो, अज केजरीवाल ने आपकी समुची सिख लीडरशिप नू आम आदमी पार्टी नू रिजेक्ट करके गया और आपकी एससी लीडरशिप नू भी रिजेक्ट करके गया जेडे ओदे नाल वफादारी नाल खड़े सी। और तीजी गल कि फिर कंट्रोल दिल्ली च रहना ओही रौला 17 वाला अज फिर उत्ते मोर ला के गया कि मैं दसूँ।